हाथरस कांड के बाद जहां एक ओर लोगों में बाबा साकार को लेकर नाराजगी है, वहीं कुछ लोगों में अभी भी बाबा के लिए अपार आस्था है। सेवादार कुलवंत सिंह की माने तो बाबा के चरणों की धूल से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। बातें हो रही बाबा को लेकर, बाबा भोले को लेकर कि चमत्कार करते हैं या उनकी वाणी में चमत्कार है, आखिर में है क्या? क्योंकि आप बहुत क्लोजली काम करते हैं, बाबा को सुना है, बाबा से मिले हैं, बाबा को देखा है, क्या हकीकत क्या है? कहने वाले जो कहते हैं हमारे हिसाब से जो हमारी सोच है वो बिल्कुल है, जो चमत्कारी कह रहे हैं क्योंकि चमत्कारी नहीं है उनकी, जो पूर्ण उनके अंदर जो सत्ता है, जो पावर है, जो शक्ति है, हम कहते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे कहते हैं कि भूख है वो दिखाई नहीं देती है, प्यास दिखाई नहीं देती है, इसलिए जो शक्ति है हमारी आस्था श्रद्धा है वो अंतरात्मा की बात को वो जानते हैं, क्योंकि हमें ये समझ लगी है कि अंतरात्मा की सिर्फ जानने वाले नारायण हरि परमात्मा है, उसके अलावा संसार में कोई जानने वाला नहीं है। हमने बहुत जगह जगह पर देखा ढोंग पखंड अंडम्बर था, यहाँ किसी तरह का भी ऐसा हमारे को ढोंग पखंड अंडम्बर अंधविश्वास कहीं चढ़ावा, कोई गुरु चेला, कोई पैर छूना, कोई जातिवाद का अमीर गरीब किसी तरह का कोई भी नहीं लगा। इससे सबसे बड़ा ये हमें लगा है कहीं ना कहीं जरूर किसी के रूप में दिया लिया जाता है, यहाँ इस तरह का कोई भी धन दौलत लेना देना किसी भी तरह का नहीं है। अच्छा, बाबा को जैसे चमत्कार कहते हैं, या कुछ लोग जो स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, कुछ लोगों के घर में कुछ समस्याएं होती, बताते हैं बाबा के दर्शन करते हैं सब चीज अच्छी हो जाती है, ऐसा कैसे? ऐसे ही है, उनके किसी की भी कोई दुख तकलीफ है, कोई आपदा है, भूतवादा है, तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके दर्शन करने से और उनकी वाणी सुनने से, और जहां पर हम खड़े हैं उनके परम धाम पे, यहां आने जाने से ही, यहां आओ और हाथ जोड़ करके शीश जगा दो, यहां किसी तरह का और कोई भी किसी को बताता नहीं है, कुछ देता नहीं है, कुछ लेता नहीं है, अपना भोजन लाते हैं, अपने आप यहां बैठ करके अपने आप ही चले जाते हैं। आपके भी जीवन में कभी कोई कष्ट रहा है जो ऐसा अनुभव रहा हो कि ये सही हो जाए और यहां जब आप आए नारायण ट्रस्ट में वो ठीक हो गया? हमारे पत्नी को तकरीबन 10 सालों से एक ऐसी शरीर में पीड़ा चल रही थी जिसके लिए हमें उनके बहुत विशेषज्ञों से भी उनको चेक करवाया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि इनकी रीढ़ की हड्डी है जो है उसकी डिस हिल गई है, ये ठीक नहीं हो सकती है। हमको जब पता चला तब से हम प्रभु की शरण में आए, इनके आने जाने लग गए, तब से वो हमारी दर्द परमात्मा ने बिल्कुल